जय हिंद साथियों, आज हम अपनी इस नई वीडियो में आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा के संबंध में जो हमारा लेक्चर चल रहा था मूल विधि, उसमें आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे दंगा बलवा से संबंधित धाराएं और उसके अलावा लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकारों की अवमानना के संबंध में अभी तक हमने चर्चा की थी। अब इस चर्चा के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है मूल विधि में हम चर्चा कर रहे थे आईपीसी की, जिसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। इसमें हम लोग आज जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है झूठा साक्ष्य देना। झूठा साक्ष्य देना एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध, हमारा जो आज का विषय होगा वह होगा झूठा साक्ष्य देना एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। साथियों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है झूठा साक्ष्य देना, अब बात करते हैं झूठा साक्ष्य क्या है। साथियों, जब भी समाज में कभी कोई अपराध घटित होता है, जैसे कहीं किसी की हत्या हुई या कहीं जमीनी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई, लड़ाई झगड़े हुए और चोट चपेट लोगों को आई और जो भी अपराध घटित हुए उससे संबंधित धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा चला। अब मुकदमा जब चलता है तो घटना के संबंध में जब अदालत में ट्रायल होता है मामला और अदालत में बहस होती है तो जो आरोपी होते हैं, जिनके ऊपर घटना के संबंध में आरोप लगा होता है, उनकी दोष सिद्धि के संबंध में जो प्रमाण दिया जाता है वही साक्ष्य होता है। अब यदि आरोपी के दोष सिद्धि के संबंध में जो प्रमाण दिया गया, जो साक्ष्य प्रस्तुत हुआ, अगर वो साक्ष्य सही है तब उस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा मिलती है, लेकिन यदि वह साक्ष्य सही नहीं है और ऐसा लगता है कि आरोपी को फंसाने के लिए ऐसा साक्ष्य दिया जा रहा है तब आरोपी सजा से बच जाता है, लेकिन वह साक्ष्य जो आरोपी को सिर्फ फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि जमीनी स्तर पर उस साक्ष्य की कोई हकीकत नहीं होती है, वो साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य या झूठा साक्ष्य समझा जाता है, क्योंकि उस साक्ष्य के आधार पर घटना की पुष्टि नहीं हुई, ना घटना की पुष्टि हुई
ना जिस आरोपी के संबंध में मुकदमे का ट्रायल हो रहा था उसकी पुष्टि हुई उस साक्ष्य के आधार पर, तो ऐसा साक्ष्य जिसके आधार पर अपराध की पुष्टि ना हो वो साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य कहा जाता है या झूठा साक्ष्य कहा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले झूठा साक्ष्य देना में। साथियों, प्रायः समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जैसे हम चर्चा करते हैं कि ए बी और सी तीन घर है, एक में ए रहता है, एक में बी रहता है और एक में सी रहता है। ये लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। किसी बात को लेकर ए और बी में कोई विवाद है और किसी बात को लेकर ए और सी में भी विवाद है, ए और बी में भी किसी बात को लेकर विवाद है, ए और सी में भी किसी बात को लेकर विवाद है। होता यह है कि जब ए और सी में किसी बात को लेकर विवाद है, ए और बी, ए और सी में मान लीजिए कोई रंजिश है, कोई झगड़ा होता है, झगड़ा या मारपीट होती है किसके बीच में, ए और सी में, ए और सी में कोई झगड़ा मारपीट या कोई खूनी रंजिश होती है, खूनी रंजिश नहीं बल्कि खूनी संघर्ष, खूनी संघर्ष। ए और बी भी पड़ोसी हैं और इनके भी बीच में किसी बात को लेकर विवाद है, ए और सी में सी भी पड़ोसी हैं और ए और सी के भी बीच किसी बात को लेकर विवाद है। होता यह है कि ए और सी के बीच कोई खूनी संघर्ष होता है, मारपीट होती है, रक्तपात होता है और मामला अदालत में चलता है। अब हुआ क्या कि यदि सी ने आरोप लगाया, जब सी ने आरोप लगाया संदेह का किसके ऊपर, ए के ऊपर, जबकि हकीकत में ए ने सी को नहीं मारा है, लेकिन सी को लगता है कि हमारी रंजिश ए से है तो मुझे ए ने मारा होगा। सी ने संदेह के आधार पर ए के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई और मामला अदालत में चला। उसके बाद जब मामला अदालत में चला तो बी को साक्ष्य के लिए बुलाया गया, बी को साक्ष्य के लिए बुलाया गया, बी को साक्ष्य के लिए बुलाया गया। अब यदि बी द्वारा अदालत में साक्ष्य दिया जाता है कि हां ए ने सी को मारा था जबकि बी द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर यह पुष्टि नहीं होती है कि ए ने सी को मारा था, तब जो बी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, झूठा साक्ष्य। अब आपके दिमाग में एक
मोटा मोटा खाका बैठ गया होगा कि झूठा साक्ष्य क्या है। हम एक बार उसको अपने लैंग्वेज में परिभाषित कर लेते हैं कि ऐसा साक्ष्य जिसके आधार पर घटना की पुष्टि नहीं होती है, या जो आरोपी है, आरोपी की उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती है, या इसको समझेंगे आरोपी की उपस्थिति का मतलब है कि आरोपी द्वारा किया गया कार्य, या इसको एक अन्य दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं कि ऐसा साक्ष्य जिसके आधार पर आरोपी का अपराध प्रमाणित नहीं होता है, या एक अन्य लैंग्वेज में आरोपी पर जो आरोप है वह प्रमाणित नहीं होता। दो तीन लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं कि ऐसा साक्ष्य जिसके आधार पर जो आरोप आरोपी पर है वह प्रमाणित नहीं होता है। तो ऐसा साक्ष्य का क्या समझा जाएगा? झूठा साक्ष्य, या इसे कहेंगे मिथ्या साक्ष्य। तो आइए अब हम चलते हैं झूठा साक्ष्य के संबंध में अपनी धारा को स्टार्ट करना, जो हमारी अगली धारा है, और वह है आईपीसी धारा 191। जो धारा 191 है यह मिथ्या साक्ष्य देने से ही संबंधित है। मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। जो 191 धारा है वह क्या है? मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। मिथ्या साक्ष्य वही साक्ष्य है जिसके आधार पर आरोप की पुष्टि नहीं होती है। मिथ्या साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर आरोप की पुष्टि नहीं होती है, या मिथ्या साक्ष्य ऐसा साक्ष्य है जिसके आधार पर आरोप की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है। तो धारा 191 भारतीय दंड विधान की है, 191 मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है। मतलब जो कोई वाद या जो कोई मामला, जो कोई किसी अपराध के संबंध में अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसके संबंध में
ऐसा साक्ष्य जिसके देने से आरोप की पुष्टि नहीं होती है, वही साक्ष्य क्या है? मिथ्या साक्ष्य है। तो जो धारा 191 है वह मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। इसी संबंध में एक अगली धारा है, एक 192, और 192 क्या है? यह मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। 192 क्या है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। प्रायः आप देखते होंगे समाज में बहुत तरीके के लोग पाए जाते हैं जो किसी घटना के संबंध में अपने मन से जो है साक्ष्य बनाने लगते हैं, किसी घटना के संबंध में अपने मन से साक्ष्य बनाने लगते हैं। तो जो धारा 192 है वह जो झूठा साक्ष्य है या जो मिथ्या साक्ष्य है उसको गढ़ने से संबंधित है, धारा 192। इसी में एक अगली जो धारा है वह है धारा 193। ये तो बात हुई 191 में मिथ्या साक्ष्य देने से और 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है 192। 193 क्या है? वह है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड। जो 193 धारा है वह मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड से संबंधित है। 191 मिथ्या साक्ष्य देने से, 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से, जबकि 193 मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड से संबंधित है। और यदि कोई व्यक्ति किसी आरोप के संबंध में कोई मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडित किया जाएगा। अर्थात जो मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है वह किस धारा में किया गया है? 193 में। और मिथ्या साक्ष्य से संबंधित धारा कौन सी है? वो 191 है। यहां से लिखित परीक्षा में बहुत आराम से प्रश्न आ सकते हैं और आते रहते हैं। पिछली बार की भी परीक्षाओं में 2016 की जो लिखित परीक्षा थी उसमें इस तरीके से प्रश्न आए थे। यदि आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है,
यदि आपके समक्ष ये प्रश्न आता है परीक्षा में, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है, और आपके सामने इस तरीके से विकल्प भी होंगे, जिसमें पहला विकल्प है 191 आईपीसी, दूसरा विकल्प है 192 आईपीसी, तीसरा विकल्प है 193 आईपीसी और चौथा विकल्प है 194 आईपीसी। आप जान रहे हैं कि यदि ये विकल्प आते हैं 191, 192, 193 और 194 आईपीसी, तो मिथ्या साक्ष्य के लिए जो दंड का प्रावधान है वह धारा 193 आईपीसी में है। यदि आप जरा सा बारीकी से इसको देखे हैं तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यह बात हो गई मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड की। अब एक और धारा है इसी से संबंधित, और उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। और जो अगली धारा है वह है आईपीसी 194, आईपीसी 194 या धारा 194 भारतीय दंड संहिता की धारा 194। आपको समझने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, आईपीसी धारा 194। साथियों इसको हम समझते हैं, मान लीजिए एक बार फिर से वही हम उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है सी। ये तीन व्यक्ति हैं, ए और बी की आपस में रंजिश है, ए और सी की भी आपस में रंजिश है, किसी समय ए ने धमकी दी सी को। मान लीजिए किसी समय ए ने धमकी दिया सी को और ए ने सी को कहा कि तुमको परिवार सहित काट डालेंगे। मान लो सी के परिवार में पांच लोग हैं। ये उदाहरण बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक भूमिका मैं बना रहा हूं धारा 194 समझाने के लिए कि सी के परिवार में पांच लोग हैं, ए और सी की आपस में रंजिश है। किसी समय ए ने धमकी दिया सी को, ए ने सी को देख लेने की धमकी दी और सी को कहा कि मैं तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर दूंगा। ए ने सी को कहा, हुआ क्या, कुछ समय बाद सी के घर में मान लीजिए डकैती होती है, डकैत आते हैं सी के घर में और सी को परिवार सहित मार देते हैं और डकैती करके चले जाते हैं। अब होता यह है कि पुलिस आती है और मुकदमा कायम होता है अज्ञात के खिलाफ। फिर जब मुकदमा अदालत में चलता है, ए ने सी को धमकी जरूर दिया था लेकिन ए द्वारा कोई हत्या कारित की नहीं गई है,
लेकिन सी ने, जब ए ने कहा था कि हम तुमको सी को परिवार सहित मार देंगे, तो ए ने इस संबंध में थाने पर जाके सूचना दी थी कि हमको मेरे परिवार सहित ए ने जान से मारने की धमकी दी है। ठीक, कुछ समय बाद सी के घर में डकैती होती है और सी के परिवार के सभी पांच लोग उस डकैती में मारे जाते हैं। अब हत्या की आशंका को देखते हुए ए पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। उसके बाद चूंकि आप जानते हैं कि यदि पांच लोग हैं, और हालांकि अभी धारा 302 पर तो हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम में से सभी लोग जानते हैं कि हत्या का जो दंड है वो धारा 302 में है, और जिसके तहत आजीवन उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। और यदि पांच लोगों की निर्मम हत्या की गई है तो अदालत से संभव है कि एक को मृत्यु दंड मिले। अब चूंकि एक ही रंजिश बी से भी थी, तो बी ने सोचा कि यही मौका देखकर हम ए को फंसा दें, और बी द्वारा न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य दिया गया। मिथ्या साक्ष्य ए के खिलाफ दिया गया। बी द्वारा न्यायालय में ए के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य या झूठा साक्ष्य दिया गया, जिससे कि ए ऐसे अपराध में फंस जाए जिसकी सजा मृत्यु दंड है। फिर से समझिएगा कि बी द्वारा न्यायालय में ए के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य इसलिए दिया गया, ऐसे अपराध के संबंध में दिया गया ए के खिलाफ बी द्वारा, कि न्यायालय से मृत्यु दंड की सजा मिली। तो ऐसे संबंध में जब बी द्वारा मृत्यु दंड की सजा दिलवाने के लिए ए के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है, तब जो धारा बी के ऊपर लगेगी वही धारा है 194। मतलब धारा 194 क्या है अब हम समझते हैं। धारा 194 क्या है, मृत्यु दंड से संबंधित अपराधों के संबंध में, धारा 194 क्या है, मृत्यु दंड से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देना,
मृत्यु दंड से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देना। मतलब जो हमारा उदाहरण था ए बी और सी के संबंध में, तो बी ने क्या किया, ए के खिलाफ झूठा साक्ष्य दिया जिससे कि ए के खिलाफ मृत्यु दंड से जो संबंधित अपराध है उसमें दोष सिद्धि हो जाए। मतलब ए को मृत्यु दंड से संबंधित जो धारा है उसमें ए को दोषी करार दिया जाए, इसलिए बी ने क्या किया, अदालत में झूठा साक्ष्य दिया। ऐसे संबंध में यदि बी द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तब यह माना जाएगा कि बी द्वारा दोष सिद्धि के लिए ए के संबंध में अदालत में मिथ्या साक्ष्य दिया गया ए को फंसाने के लिए, आसान भाषा में ऐसे समझिए, तब जो धारा है मृत्यु दंड से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देना, वही धारा है 194। इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे और इसको बहुत ध्यान देंगे, अगर यहां से प्रश्न आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकेंगे। अब इसी से संबंधित एक और धारा है, वह है 195। 194 क्या है, मृत्युदंड से संबंधित धाराओं के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देना। थोड़ा सा अंतर है 195 में और क्या है, 195 में उम्र कैद या आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों के संबंध में झूठा साक्ष्य देना। 195 क्या है, उम्र कैद या आजीवन कारावास के मृत्युदंड, धारा 195 उम्र कैद या आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों के संबंध में झूठा साक्ष्य देना। बहुत मामूली अंतर है 194 आईपीसी और 195 में। 194 जहां मृत्यु दंड से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देने से संबंधित है, वहीं पर 195 उम्र कैद या आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए क्या है, उम्र कैद या आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देना। यह है भारतीय दंड विधान की धारा 195। बहुत मामूली अंतर है 194 और 195।
95 में, इसको जरा ध्यान में रखेंगे कि जहां 194 मृत्यु दंड से संबंधित मामलों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देने से संबंधित है, वहीं 195 उम्र कैद या आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य देने से संबंधित है। 194 मृत्यु दंड से संबंधित मामलों में, 195 उम्र कैद या आजीवन कारावास से संबंधित मामलों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए झूठा साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है। अब एक और धारा है, उसकी हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं, और यह धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है लिखित परीक्षा के लिहाज से, और वह धारा है आईपीसी धारा 195 क, क्या है आईपीसी धारा 195 क। अभी तक हमने 194 और 195 देखा था, अब अगली धारा है आईपीसी 195 क। साथियों, जब अदालत में झूठा साक्ष्य देना अपराध है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकी देना भी अपराध है। जैसे तीन व्यक्ति हैं, मोहन, सोहन और रमेश, मान लीजिए तीन व्यक्ति हैं और रमेश के ऊपर, रमेश के ऊपर चोरी का मुकदमा चल रहा है, रमेश के ऊपर चोरी का मुकदमा है, मोहन सोहन को यह धमकी देता है कि सोहन रमेश के खिलाफ झूठा साक्ष्य दे, मोहन सोहन को धमकी देता है, मोहन सोहन को धमकी देता है कि सोहन रमेश के खिलाफ चोरी के मुकदमे में झूठा साक्ष्य दे। तो ऐसी परिस्थिति में मोहन ने किस धारा का अपराध किया? धारा 195 क। तो धारा 195 के भारतीय दंड विधान की धारा क्या है? किसी व्यक्ति को, अर्थात सोहन, यहां जो हमारा उदाहरण है, किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकी देना, किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकी देना, यही है धारा 195 क। किसी व्यक्ति को
झूठा, साक्ष, किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना, किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना, यही है भारतीय दंड विधान की धारा 195 क। यह बात हुई कि यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकी देता है या उत्प्रेरित करता है तो उसे भारतीय दंड विधान की धारा 195 क के तहत दोषी करार दिया जाएगा। यहां लिखित परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकता है, एक बार मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। और मान लीजिए आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, यही जो मैंने उदाहरण दिया था कि चोरी के मुकदमे में मोहन ने सोहन को रमेश के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से जो है मूल विधि से संबंधित प्रश्न आते हैं आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न फिर से समझिए, चोरी के मुकदमे में मोहन ने सोहन को रमेश के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देता है। अब सवाल है कि मोहन ने भारतीय दंड संहिता की, मोहन ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा का अपराध किया है, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं कि चोरी के मुकदमे में मोहन ने सोहन को रमेश के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देता है, तो मोहन ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा का अपराध किया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपके सामने विकल्प आता है 1, 2, 3, 4, विकल्प आता है 4 और उसमें धाराएं रहती हैं 192, 194, 195 और चौथा विकल्प है 195 क।
चोरी के मुकदमे में मोहन ने सोहन को रमेश के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देता है, तो मोहन ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा का अपराध किया? तो आपका आप जानते हैं, आप ये जो धारा है वह है 195 क, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के तहत अपराध है। यही सवाल एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूं। यदि यही सवाल पूछता है एक अलग तरीके से, कि चोरी के मुकदमे में मोहन ने सोहन को रमेश के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देता है, तो सवाल है कि मोहन ने किस धारा का अपराध किया। सिर्फ इतना ही सवाल है कि मोहन ने किस धारा का अपराध किया, और विकल्प के रूप में है 195 आईपीसी या 195 का आईपीसी या 195 सीआरपीसी या 195 का सीआरपीसी। यदि यही सवाल हल्का सा घुमा के पूछते हैं कि चोरी के मुकदमे में मोहन ने सोहन को रमेश के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी दिया, तो मोहन ने किस धारा का अपराध किया, और विकल्प के रूप में आपके सामने है 195 आईपीसी या 195 का आईपीसी या तीसरा विकल्प 195 सीआरपीसी या चौथा विकल्प 195 का सीआरपीसी। तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को जो दंड देने का किसी व्यक्ति को जो जैसे मान लीजिए मोहन ने सोहन को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी दिया, तो आप जानते हैं वह धारा होगी 195 का आईपीसी। इस तरीके से हमने ये देखा कि मिथ्या साक्ष्य क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना क्या है, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड किस धारा में है, और इसके बाद मिथ्या साक्ष्य देने के लिए यदि कोई धमकी देता है तो उसका दंड भारतीय दंड विधान की धारा 195 कम है। यह बातें हो गई मिथ्या साक्ष्य से संबंधित। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध कुछ अन्य धाराओं का अध्ययन करेंगे। तब तक जो आज धाराएं बतलाई गई हैं उस धारा को आप पढ़ते रहें, अपने दिमाग में बैठाते रहें। यदि किसी धारा के संबंध में आपके मन में कोई डाउट है या कोई बातें ना समझ में आई हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो फिर मिलते हैं भारतीय दंड विधान के अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।